तो आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 29वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं पूरे विश्व में पर्यावरण के चलते, प्रदूषण के चलते, पर्यावरण असंतुलन के चलते पक्षियों की तादाद जिस तरीके से कम हो रही है, उस संबंध में भारत में अनेक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। इन पक्षियों की तादाद में एकाएक अगर कमी दर्ज की जा रही है तो ये वास्तव में चिंता की बात मानी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रवासी प्रजाति पक्षियों के संबंध में एक समझौता विश्व स्तर पर किया गया था, भारत ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस पक्षी प्रवासी पक्षी के समझौते के संबंध में इसके 13वें सम्मेलन में वर्ष 2020 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसको इस रिपोर्ट में भारत को लेकर जो आंकड़े सामने आए बहुत चिंताजनक माने जा सकते हैं। आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। देखा जाए तो अपने स्वार्थ के लिए मनुष्यों के द्वारा जिस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो बहुत चिंताजनक माना जा सकता है। प्रवासी पक्षियों पर मंडराता खतरा किसी काल से कम नहीं माना जा सकता है। ये मनुष्यों के लिए नहीं, समूचे पर्यावरण के लिए शुभ संकेत किसी भी दृष्टिकोण से नहीं माने जा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार और सूबाई सरकारों को अपने अपने स्तर पर प्रयास करने की बहुत ज़रूरत है, उनको प्रयास करना पड़ेगा। दरअसल अभी हम इस बात को अगर हम देखें तो अभी ज़्यादा समय नहीं बीता जब देश में गौरैया के गायब होने पर, गौरैया की कमी होने पर, गौरैया के ना दिखने पर पक्षी विशेषज्ञों, पक्षियों से प्रेम करने का स्वांग रचने वाले संगठनों और सरकारों के द्वारा इस संबंध में कई बार कई तरह की चिंता जाहिर की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं श्रीमती शीला दीक्षित के द्वारा भी 2008 में दिल्ली से गौरैया के गायब होने के मामले में चिंता जाहिर की गई थी। पर ये चिंताएं बहुत अल्पकालिक होती, थोड़े समय के लिए की जाती हैं, उसके बाद जैसे समय बीतता सारी चीज़ें सब सामान्य हो जाती हैं। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, आने वाला है, तो जैसे ही विश्व गौरैया दिवस मनाया जाएगा उसके आसपास एक बार फिर गौरैया को लेकर सभी लोग चिंता जाहिर करेंगे और ये चिंता महज एक सप्ताह या एक पखवाड़े के लिए ही मानी जा सकती है। प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए समझौते के तहत भारतीय पक्षियों के संबंध में जो रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई वो रिपोर्ट बहुत अच्छी कतई नहीं मानी जा सकती है। इस रिपोर्ट में 867 तरह के पक्षियों के संबंध में अध्ययन और विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट को हल्के में तो कतई ही नहीं लिया जा सकता है। इस रिपोर्ट में 25 साल से ज़्यादा समय, पिछले 25 सालों में कितने पक्षी थे, कितने पक्षी बचे, उनकी तादाद उस समय क्या थी, उसके बाद धीरे 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 तादाद कम कैसी होती गई, कितने पक्षी अब बचे हैं, इस बारे में अध्ययन किया गया, विश्लेषण किया गया, तो ये पाया गया कि इन पक्षियों की 261 तरह की प्रजातियां, 261 टाइप ऑफ बर्ड्स में 52% कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर अल्पकालिक कुछ कम अंतराल के सालों में इसका अध्ययन जो किया गया उसके हिसाब से 146 तरह की प्रजातियों में 80% तक की कमी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण से छेड़छाड़ के चलते रैप्टर और प्रवासी समुद्री पक्षियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। पश्चिमी घाटों पर 75% से ज़्यादा पक्षियों की कमी दर्ज की गई है, जो चिंता का विषय मानी जा सकती है। इस पूरे मामले में एक सकारात्मक बात ये उभर के सामने आई है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर की तादाद देश में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ये
पूरी चिंता सिर्फ भारत को लेकर नहीं, पूरे विश्व में यही आलम है। और अगर विश्व में वैश्विक स्तर पर ये स्थितियाँ हैं तो निश्चित तौर पर इसके लिए कहीं ना कहीं पर्यावरण असंतुलन को दोषी माना जा सकता है। विश्व भर की लगभग 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं पक्षियों की। ये वाकई एक बहुत बड़ी चिंता की बात मानी जाती जा सकती है। प्रवासी पक्षियों के सामने अनेक दुश्वारियां मुँह बाए खड़ी रहती हैं। इसमें तापमान का तेजी से बढ़ना प्रमुख कारक के रूप में सामने आ रहा है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के अनुसार उसके अनुरूप देशों के द्वारा उसका पालन नहीं किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में जो पैरामीटर, जो मापदंड निर्धारित किए गए, उन मापदंडों पर औद्योगिक उत्पादन और उद्योग स्थापित करने के बाद उनका निरीक्षण नहीं किया जाता है, उन्हें अगर दंडित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उद्योगों के द्वारा जिस तरीके का प्रदूषण फैलाया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सकती है। लगभग 5 माह पहले विज्ञान पर आधारित एक पत्रिका में छपी रिपोर्ट को अगर सच माना जाए तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, सिर्फ उत्तरी अमेरिका में ही 3 अरब से ज़्यादा पक्षी काल कलवित हुए हैं। ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। वैसे देखा जाए तो पक्षियों के कलरव से, पक्षियों की चहचहाट से मनुष्य का मन बहुत प्रफुल्लित रहता है। पक्षियों पर इस तरह के गंभीर संकट से मनुष्य अपने आप को अनजान ही बताता है, जो वाकई एक बड़ी विडंबना मानी जा सकती है। जब भी इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं तो गैर सरकारी संगठन और सरकारों के द्वारा इस मामले में चिंता जाहिर की जाती है, पर ये चिंताएं क्षणिक होती हैं। इसके बाद सब कुछ सामान्य सा प्रतीत होने लगता है। दरअसल जंगलों का रकबा कम होने, शहरों में बाग बगीचों के सिमटने, आबादी के बढ़ने के साथ कंक्रीट जंगल का विस्तार होने, कंक्रीट जंगल अर्थात रेत ईंट गारा से बनने वाले मकान, लोगों के घरों में पहले वृक्ष हुआ करते थे, ये वृक्ष भी धीरे 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 करके कटते गए। आज शहरों के अंदर हरियाली दिखाई नहीं देती। कृत्रिम तौर पर हम अपने घरों में हरियाली ज़रूर दिखाने की कोशिश करते हैं, पर जब ये सारी परिस्थितियां बनेंगी तो निश्चित तौर पर पक्षियों के बसेरे के लिए, उनके घोंसलों के लिए जगह कहाँ बचेगी। कृत्रिम आपके घर की हरियाली में पक्षी आकर अपना घोंसला बनाने से रहा। इसके लिए सरकारों के द्वारा प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही एक और बात जो निकल के पिछले 2-3 दशकों में सामने आई है वो ये, मोबाइल टावर से निकलने वाली खतरे की तरंगें इन पक्षियों के लिए मौत का सामान बनती जा रही हैं। इसके लिए समय समय पर चेतावनियां भी जारी की जाती हैं, पर ये इस तरीके की चेतावनी ठीक उसी तरह होती हैं जिस तरह तंबाकू उत्पादों पर चेतावनियां लिखी होती हैं। ये जैसे वो बेअसर रहती हैं, इसी तरह ये भी बेअसर ही प्रतीत होती हैं। एक बात और गौर करने वाली है कि प्रदूषण ने जिस तरह मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला है तो इससे समझा जा सकता है कि संवेदनशील पक्षियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, वो इससे किस तरह निपटने के लिए अपने आप को सक्षम बना रहे होंगे। माना जाता है कि मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता पक्षियों के मुकाबले ज़्यादा होती है, इसलिए मनुष्य तो इस प्रदूषण के माहौल में धीरे धीरे अपने आप को ढालता जा रहा है, पर पक्षियों का क्या, पक्षी कैसे इस माहौल में अपने आप को ढालेंगे। इसके अलावा शिकारी, पक्षियों के लिए शिकारी भी कहीं ना कहीं उनकी संख्या कम करने के लिए जवाबदार माने जा सकते हैं। शिकार के लिए कड़े कानून बनाए जाने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। इसके लिए जिम्मेदार वन महकमे को जगाना पड़ेगा।
आज वन विभाग पूरी तरह से रस्म अदायगी करता ही दिखता है। इन सारी रिपोर्ट से यही जाहिर होता है कि अगर पक्षियों की तादाद इस तेज़ी से कम होती जा रही तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा जलवायु परिवर्तन का नक्शा, ये पूरा पर्यावरण बिगड़ने की स्थिति कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। इसके अलावा आने वाली पीढ़ियों को इस पूरे मामले में समस्याओं से दोचार होना पड़े तो इसके लिए किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।